विक्की कौशल को भारतीय सेना के प्रतिष्ठित पूर्व प्रमुख की मुख्य भूमिका में देखा जाता है, जिन्हें किपर के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच फातिमा सना शेख ने दुर्जय इंदिरा गांधी की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई और सानिया ने ऑन स्क्रीन सैम की एक प्यारी और सहायक पत्नी की भूमिका निभाई। सैम बहादुर के टीजर के अनुसार मेघना और विक्की 2018 में रिलीज हुई राजी में अपने पहले सहयोग के बाद सिनेमा का एक और आकर्षक टुकड़ा देने के लिए तैयार है। टीजर सैम के देश सेना अपने जवानों के प्रति प्रेम और वर्दी के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, जैसा कि वह कहते हैं कि यह एक सैनिक का सम्मान है। टीजर सैम की तीव्र वापसी के साथ समाप्त होता है, जिसका लक्ष्य गांधी है, जो कहता है कि एक सैनिक का कर्तव्य देश के लिए मरना है। माफी की भीख मांगते हुए सैम अलग राय व्यक्त करते हुए कहते हैं, एक सैनिक का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा के लिए दुश्मन को मारना है। जटिल कथाओं को समझने की मेघना की प्रतिभा निश्चित रूप से सैम बहादुर को एक दिलचस्प फिल्म बनाएगी। कम से कम कहने के लिए सैम बहादुर का टीजर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता के एक और उल्लेखनीय प्रदर्शन का संकेत देता है। इस बीच फातिमा, जो अपनी नवीनतम फिल्म धक धक की रिलीज का जश्न मना रही है, जो आज स्क्रीन पर आई है, अपने किरदार और बहादुर के बीच गतिशील इंटरप्ले का वादा करती नजर आएगी, जैसा कि टीजर में देखा गया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मानेकशॉ ने अपना नाम इतिहास के इतिहास में दर्ज कराया। उनके चतुर निर्णयों और अटूट भावना ने एक शानदार भारतीय जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे अंततः बांग्लादेश का जन्म हुआ। एक प्रिय सैन्य नेता के रूप में मानेकशॉ की विरासत भारत की सामूहिक स्मृति का एक अभिन्न अंग है, और मेघना की फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर उनकी असाधारण यात्रा को अमर बनाने का प्रयास करती है। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।